हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के स्पीडो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, एग्जांपल क्या होता है, और प्रकाश पुंज के प्रकार तीन प्रकार होते हैं। एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, एक समांतर प्रकाश पुंज। तो ये सभी क्या होते हैं इस वीडियो में हम समझेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो चलिए तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया है, यहां पे हमने सबसे पहले लिखा है प्रकाश पुंज। अब सबसे पहला यही पॉइंट्स आता है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे कि प्रकाश किरणों के समूह को ही हम प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आया, मतलब प्रकाश जो भी प्रकाश किरणें होती हैं, ध्यान से समझिएगा यहां पे मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ये सभी प्रकाश किरणें होती हैं, तो इस सभी प्रकाश किरणों के, ये सभी प्रकाश किरणों के समूह को ही, इन सभी प्रकाश किरणों के समूह को ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। किसको, प्रकाश किरणों के समूह को, समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रकाश पुंज का समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। अब यह पॉइंट आता है कि प्रकाश पुंज, याद रखेंगे प्रकाश पुंजों को तीन भागों में बांटा गया है। तो वो तीन भाग कौन कौन से हैं, प्रकाश जो क्या होते हैं, पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला आता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज, एक होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो सबसे पहले ये आता है कि अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। इसमें ये बताया जाता है कि ऐसा मतलब प्रकाश पुंज जिसमें जो क्या होते हैं, समस्त प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब ये जो मान लेते हैं ये एक बिंदु है, और इसी बिंदु पर सभी प्रकाश किरणें मिल रही हैं, ठीक है। ऐसे ही जितने भी प्रकाश किरणें आएंगी वो सभी मान लेते हैं कि इसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो यही बिंदु क्या कहलाएगा भैया, ये बिंदु ही अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो हमने क्या कहा कि प्रकाश की समस्त, मतलब हमने क्या कह सकते हैं यहाँ से, जब प्रकाश की समस्त किरणें, ये प्रकाश की किरणें हैं, तो जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो इस पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इस डेफिनेशन को लिखकर इसको आपको फिगर बनाना होगा। अगला आता है कि अपसारी प्रकाश पुंज। तो बहुत ही सिंपल है, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से क्या होती हैं, निकलती हैं, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें क्या हो रहा था, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी कह रहे थे, परंतु अपसारी में क्या होगा, एक बिंदु से ही निकलेंगी। मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, अब ध्यान से समझिएगा, ये कोई बिंदु है, अब इसी बिंदु से क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें निकल रही हैं, तो इस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम क्या कहेंगे, मतलब इस प्रकार के प्रकाश पुंज को, या हम कह सकते हैं प्रकाश किरणों के, इस प्रकार के प्रकाश किरणों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं, ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी प्रकाश पुंज आप भी जानते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, जितनी भी लाइट्स होती हैं वो सभी अभिसारी प्रकाश पुंज ही होती हैं, या हमारा जो क्या है सूर्य है, वो भी जो भी हमें प्रकाश देते हैं वो अपसारी प्रकाश पुंज के ही अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनसे ही बहुत सारे प्रकाश की किरणें निकलती हैं। समझ में आ रहा है, तो एक ही बिंदु से, तो एक ही जगह से तो निकल रही है ना, तो इस प्रकार के किरणों के समूह को, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश पुंज को, अब क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला आता है अपना अंतिम, जो है समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो यहां पे हमने लिखा है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, क्या कहा गया कि एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आया ना, कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो, समांतर का मतलब कि एक दूसरे का समांतर होने का मतलब ये है,
ये सभी दोस्तों एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समांतर प्रकाश पुंज और ये जितनी भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास टेंथ का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सिक्वेंस में वीडियो मिले और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूँ। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ से ढूंढ कर पढ़ सकते हैं, या आपको नीचे एक नंबर दिया जा रहा है इस नंबर पर आप मैसेज करके मांग सकते हैं। अदरवाइज यदि जिन विद्यार्थियों को क्लास टेंथ का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक वर्ष का पूरा नोट्स चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा नोट्स चाहिए आपको, तो इसी नंबर पर आप मैसेज करके मांग सकते हैं। हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको नंबर आपको तुरंत वीडियो का लिंक भी दे देंगे, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहां से आप वीडियो को देखकर पढ़ भी सकते हैं। और इसी नंबर पे आपको कुछ रुपए पे करके आपको जो नंबर दिया जा रहा है इस नंबर पे आप नोट्स भी आप ले सकते हैं उनसे, ठीक है, कुछ रुपए पे करके। तो आपको वहां से नोट्स भी आपको मिल जाएगा एक वर्ष के लिए, पूरा फिजिक्स का, पूरे केमिस्ट्री और पूरे जो क्या होता है बायोलॉजी का भी, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना हो या कोई भी यहाँ पे दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या तो कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ तो वहां से मैं जवाब दे दूंगा। थोड़े से डिले हो सकता है, परंतु यदि आपको तुरंत हमसे बात करना हो, ठीक है, ज्यादा समय के लिए, तो यहाँ पर आप तुरंत यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप इंस्टाग्राम में जो आईडी है इस नंबर पर आप मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।